हेलो फ्रेंड, जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे पास ये MI का सेल फ़ोन है। हमने इसमें इसे चार्ज में लगाया है तो ये देखिए चार्ज कितने परसेंट शो करता है यहाँ पे। हालांकि मेरा ये बैटरी फुल चार्ज है, देख सकते हैं 99% ये दिख रहा है चार्ज। थोड़े टाइम में ये जो है कि 100% हो जाएगा। तो और देखिए अब इसको ऑन करते हैं। देखिए जैसा कि ये सेल फ़ोन अब ऑन हो रहा है, ऑन होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, ऑन हो जाएगा। तो जब तक ये सेल फ़ोन को हम चार्ज से कनेक्ट किए रहेंगे तब तक ये अच्छे से वर्क करेगा, अच्छे से चलता है। जैसे ही चार्ज को इसको निकालेंगे इससे और उसी तरीके से तुरंत ये ऑफ हो जाएगा। तो ये जो है कि इसकी बैटरी की इशू है इसमें, तो इसे कैसे रिपेयर करना है उसके बारे में ये पूरी वीडियो है। तो जैसा कि ऑन होने में थोड़ा सा समय लग रहा है तो इसे ऑन होने देते हैं। तो जैसा कि देख सकते हैं ये सेल फ़ोन ऑन हो गया है। ये देखिए अभी 99% है चार्ज। अभी थोड़े टाइम और लगा रहेंगे तो 100% भी ये शो करता है पूरा। अब जैसे यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे सारा कुछ चलेगा, अच्छे से वर्क कर रहा है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है, अब जैसे कि इसका हम चार्जिंग इसमें से निकालेंगे वो तुरंत जो है कि ऑफ हो जाएगा। जैसे देखिए ये निकाल दिए और ये देखिए सेल फ़ोन ऑफ हो गया। अगर हम इसे ऑन भी करेंगे तो बार बार ये ऑन ऑफ होता रहता है, लेकिन ये ऐसा ही प्रॉब्लम है इसमें। तो इसको कैसे करना है, तो हमने जो है कि पूरा इसका बैक पैनल ओपन कर रखा है। तो बैटरी इसमें से हम निकाल लेते हैं बाहर। तो हालांकि इसका बैटरी जो है कि ओरिजिनल बैटरी है और बैटरी कहीं से फुली नहीं है, देख सकते हैं आप बिल्कुल सही बैटरी है। तो इस बैटरी को हमें ओपन करना पड़ेगा। तो बहुत ही आराम से इसे ओपन करते हैं। तो जैसा कि देख सकते हैं मेरा ओपन हो गया है बिल्कुल, ये बाहर हो गया है इस तरह से। तो हमारे पास एक और बैटरी थी, ये बिल्कुल रेड बैटरी हो गई है। ये मार्केट का भी बैटरी डुप्लीकेट बैटरी है। तो इसको हमने ओपन कर लिया इसको भी। हमें करना क्या होगा, इसका यहाँ से हमें निकालना होगा सोल्डरिंग आयरन के द्वारा। तो जैसा कि हमने इसको निकाल दिया है और हम जो है कि इसको भी यहाँ से निकाल देते हैं, इस सिरे को भी, इसमें जो है कि हमने उखाड़ दिया था तो इसको हमने सोल्डिंग से इसको रिमूव कर देते हैं, क्योंकि हमें इसमें जो है कि दूसरा सोल्ड करने में आराम रहेगा। तो जैसा कि यह हो गया है तो हमारा ये जो है कि इस तरीके से लगा था, तो हम इसमें जो है कि प्लस माइनस चेक कर लेते हैं। तो मल्टीमीटर, ये हमारा मल्टीमीटर है। तो जैसा कि ये है ऐसे हम देख सकते हैं। तो ये जैसा कि ये देख सकते हैं सोल्डिंग आयरन हमने छोड़ा दिया है। अब काफ़ी आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे आप प्लस है और इस साइड यहाँ पे माइनस लिखा हुआ है। तो मतलब ये जो है कि यहाँ पे प्लस का सिरा जो है कि सोल्ड होगा और यहाँ पे माइनस सोल्ड होगा।
इसको साइड रख देते हैं, ये मेरा ओके है, इसको साइड हटा देते हैं, ये इसका कोई यूज नहीं है। अब उसके बाद इसको भी हम जो है कि सोल्डिंग आयरन से रिमूव करने का कोशिश करते हैं कि ये हो जाए। तो जैसा कि मेरा एक साइड का निकल गया है, सोल्डिंग छोड़ दिया है, हालांकि थोड़ा सा बहुत हार्ड है, सोल्डिंग छोड़ाने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, लेकिन मेरा रिमूव हो गया एक साइड का। अब दूसरे साइड का भी हम कर लेते हैं। हालांकि ये मेरा सोल्डिंग छोड़ दिया है, तो यहाँ पे आप ये देख लीजिए, यहाँ पे जब सोल्ड था देख सकते हैं, यहाँ पे ये प्लस है, तो मतलब ये मेरा प्लस है और ये मेरा निगेटिव है, यहाँ पे माइनस है। तो आप चाहें तो यहाँ पे देख के आप पहले से यहाँ पे निशान लगा सकते हैं प्लस माइनस। तो हम इसको यहाँ से निकाल लेते हैं, ये हमारा ख़राब है, इसका कोई यूज नहीं है। अब जो हमने ये निकाल कर रखा था दूसरे सेल फोन से बैटरी से, वो ये है। तो इसका भी आप प्लस माइनस पहले देख लें, इसका जो है कि प्लस ये है माइनस वो है, तो बिल्कुल सही है। तब इसको हमें जो है कि यहाँ पे सोल्ड करना है। तो जैसा कि हमारा एक सिरा जो है कि अच्छे से फिक्स हो गया है, सोल्ड हो गया है। अब जो है कि हम ये माइनस वाला भी दूसरा सिरा, इसको भी हम फिक्स कर लेते हैं अच्छे से। हालांकि इसका जो सोल्ड था उसे छुड़ाने में काफ़ी दिक्कत हुआ, काफ़ी हार्ड सोल्डिंग था वो, सोल्ड करने में उतना ज़्यादा दिक्कत नहीं है, सोल्ड आराम से हो जाएगा। तो जैसा कि हमारा ये सोल्ड भी हो गया है, तो देख सकते हैं साथ में आप जब भी काम करें तो आप देख सकते हैं जो भी यहाँ पे आईसी और जो भी कुछ कंपोनेंट लगा हुआ है उस पर ध्यान दें कि वो ज़रा से भी डैमेज ना हो। तो जैसे कि ये हो गया है, अभी हम इसे जब अगर पैक करेंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा पैक होने में, तो हम इसे बाद में पैक कर लेंगे। फिलहाल हम आपको चेक कराते हैं ये कि इसका जो प्रॉब्लम था वो प्रॉब्लम सॉल्व हुआ कि नहीं। तब से इसे लगाने से पहले थोड़ा सा आप ध्यान दें कि जो है कि हमारा ये शॉर्ट ना हो। तो फिलहाल हमारे पास एक ये टेप है, ये टेप लगा लेते हैं, क्योंकि इसे टेप लगा के भी हम इसे जैसे हम पैक करेंगे तब भी ये टेप इसी में लगा ही रहेगा। तो हम इसमें जो है कि लगा लेते हैं, कनेक्ट कर लिए। अब हम अगर हमारा बैटरी ये अब सही हो गया होगा, काम करेगा, तो जो है कि हमारा सेलफोन को ऑन हो जाना चाहिए, नहीं तो फिर ये बैटरी काम नहीं करेगा। जैसा कि हमने ऑन किया है तो MI लिख के तो आ गया है। अब हमें देखने वाली बात ये होगा कि ये सेलफोन हमारा ऑन हो जाता है कि नहीं होता है। तो अगर चाहें तो अपनी बैटरी भी इस तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। कोई कोई बैटरी ऐसा होता है कि कुछ परसेंट रह जाता है, उसके बाद भी उसमें जो है कि ऐसा प्रॉब्लम आ जाता है।
तो उसका आप इस तरीके से चेंज करके उसमें देख लें, हो सकता है आपकी वो बैटरी सही हो और आपका बैटरी वो काम करें। क्योंकि मार्केट में इसकी जो नई बैटरी आती है वो काफ़ी महंगी भी आती है, और ये हमारी बैटरी जो है कि ओरिजिनल थी, इसलिए हमने इसको रिपेयर किया है। तो अब थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, देखते हैं कि ये हमारा सेलफोन ऑन होता है कि नहीं होता है। जैसा कि देख सकते हैं हमारा सेलफोन ऑन भी हो गया है, और इसमें जो है कि चार्ज भी दिख रहा है। तो हमारा जो भी प्रॉब्लम था इसमें प्रॉब्लम था इसके सॉकेट में, तो हमने सॉकेट इसका चेंज कर दिया।